हमारे चैनल ड्रीम टीम्स फैंटेसी प्लेयर चैनल। तो गाइस बात करेंगे आज आईपीएल का जो मैच लगेगा सनराइजर हैदराबाद और यहाँ पे पंजाब किंग्स। एकदम खाली बेकार मैच है, टाइम पास मैच है, क्योंकि दोनों के दोनों बाहर हो चुके हैं। कोई मतलब बनता नहीं इस मैच का, बस ये है कोटा है तो पूरा करना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो इस मैच के लिए मतलब एक तरह से देखा जाए तो ग्रैनी के लिए एक सुपर मैच है। तो कोशिश करना इस मैच में हेड टू हेड थ्री मेंबर इग्नोर करके अपना ग्रैनी खेलने की कोशिश करना। ग्रैनी में ज्यादा टीम्स जिस तरह का कॉम्बिनेशन ज्यादा बना पाओगे उस तरह से आपकी टीम अच्छी खासी रैंक यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसा हमारा होता ना, हम लोगों क्या नाम है T10 मैच, कि कोई भी आगे कुछ भी कर सकता, कोई भी उठा के बॉलिंग कर सकता, वही होने वाला है इस मैच भी। हालांकि अगर रूल से थोड़ा बहुत भाई ये है कि फिर भी प्लेइंग 11 के कोई कंफर्म नहीं है अभी तक। अगर ये प्लेइंग 11 रहती है तो इस हिसाब से आप जा सकते हो, अगर चेंजेस होते हैं तो फिर ध्यान रखना, थोड़ा सा रिसर्च करके देखना। और कोशिश करूंगा मैं इस मैच के लिए, जो लोग भाई हेड टू हेड थ्री मेंबर कहते हैं भाई नहीं खेलेंगे, तो उनके लिए मैं आज यहां पर सेफ टीम, एक जो सॉलिड टीम हो सकती है प्लेइंग 11 आने के बाद, वो अपने टेलीग्राम चैनल पर दूंगा। तो टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किया कर लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, साथ में वहां से डायरेक्टली हमारे चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो। मतलब दो चैनल आपको मिलेंगे, दोनों में से किसी को भी ज्वाइन करना, मैं टीम से यहाँ पर दोनों चैनल में देने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर मतलब आप लोग ग्रैनी टारगेट करके हमारे चैनल पर आए तो प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, आपसे रिक्वेस्ट है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो कर लो, ताकि इसी तरह फ्यूचर में आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, हमारे से हेल्प हो आपकी ड्रीम टीम को बनाने के लिए। सबसे पहले यहां पर बात करें, दोनों टीम तो बाहर हो ही चुकी है, दुनिया जानती है इस बात को। ठीक है, अब यहां पर मैच खेला जा रहा है वानखेड़े ग्राउंड में। ठीक है, वानखेड़े ग्राउंड में दो तरह की टीम्स बनती हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की, अगर आप वीडियो स्किप करने की सोच रहे हो तो यहां से मत करना, आगे करना, बहुत टाइम है स्किप करने के लिए। ठीक है, यहां पे सबसे पहले स्कोरिंग आपको पता ही है, पैटर्न यहां पर कैसा है, बैटिंग फ्रेंडली बॉलिंग फ्रेंडली सब कुछ पता है, जानता हूं क्योंकि तीन ही ग्राउंड पे मैचेस हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको पता होगा। ठीक है, नंबर वन, ये जो नंबर वन टीम है, टीम नंबर वन के अगर आप टाइप्स बना रहे हो, अगर आप सपोज है 10 टीम खेल रहे हो ना, 10 टीम में खेल रहे हो, तो ये चार टाइप की मैं टीम यहाँ पे बता रहा हूँ, इन चारों में से ट्राई करना, जरूर आपकी रैंक यहाँ पर अच्छी खासी आ सकती है। ठीक है, टीम वन जो इसमें स्कोर बनेगा 170 से 80 का, और यहाँ पर आपको 17 से 18 विकेट देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो इस तरह की टीम्स में क्या होगा, टॉप ऑर्डर फ्लॉप जाएगा, मिडिल ऑर्डर काम करेगा, टॉप ऑर्डर में से एक बंदा चलेगा, जैसा धवन को ले रहे तो बैरिस्टो गायब, ठीक है, राजापक्सा गायब, लिविंगस्टोन के साथ, मयंक अग्रवाल के साथ, इनके साथ वो टीम बनेगी। ठीक है, यहाँ पे 17 से 18 और वो टीम के प्लेयर्स आपके दोनों तरफ से होंगे, एक तरफ से नहीं, और ऐसा हो सकता है इस मैच में क्योंकि भाई बॉलर्स काफी अच्छे हैं। ठीक है, टीम नंबर टू, ठीक है, जो दूसरे नंबर की टीम बनेगी वो बनेगी दोनों की दोनों लो स्कोर वाली, हो सकता है जो टीम पहले बॉलिंग करे वो ऑल आउट हो, यानी 120 30 35 तक ऑल आउट हो, और दूसरी टीम जो बनेगी जो बैटिंग के लिए उतरेगी वो भी यहाँ पे हो सकता है चेज ना कर पाए, या फिर हो सकता है चेज कर दे मगर यहाँ पे बढ़िया वाले विकेट्स के साथ। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर आप सीएसके का एक मैच हुआ था यहाँ पे, उस मैच को जाके देख सकते हो। ठीक है, ये तरह की टीम नंबर दो हो गई। नंबर तीन बनानी आपको हाई स्कोरिंग वाली टीम, ठीक है, कि दोनों टीम्स अच्छा खासा स्कोर करेंगी, मैच को एंजॉय करेंगी, और यहाँ पे स्कोर जो 170 80 या 90 के आसपास दे, या फिर 200 के आसपास ले जाएगी, जिससे चेजिंग में भी अच्छा खासा स्कोर बने। ठीक है, एक टीम उस तरह की आपको बनानी, उस पर टॉप ऑर्डर काम करेगा, मिडिल ऑर्डर के एक दो प्लेयर काम करेंगे, और फर्स्ट इनिंग के सेकंड इनिंग आप ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, बॉलर्स उसमें आपके पास ज्यादा नहीं होने चाहिए, कुछ चुनिंदा बॉलर जो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर की टीम बनाने आपको वन साइडेड टीम। ठीक है, ध्यान रखना इस मैच का, जो टीम बैट फर्स्ट करेगी, यानी जो टीम पहले खेल रही होगी उसको ऑल आउट करके सामने वाली को टीम को, मतलब जो दूसरी टीम बैटिंग के लिए उतरेगी उनको चेजिंग पे कंप्लीट कर देना है। जैसे कि यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे क्या नाम है एसआरएच खेल लिया, फिर ठीक है एसआरएच ने खेला और एसआरएच ने यहाँ पे स्कोर बनाया, ऑल आउट हो गई 110 रन पे मान के चलो। ठीक है, 110 रन पे ऑल आउट यहाँ पे हो गई, ये थोड़ा सा माइंड में अपना सेट करो, इस तरह की टीम से यहाँ पे बना। ठीक है, ये जो चौथे टाइप की टीम बता रहा हूं, ठीक है, 110 पे ऑल आउट हो गई, यहाँ पे पंजाब के बैट्समैन आए भाई, यहाँ पे धवन हो गया, जॉनी बेरस्टो हो गया, राजापक्सा हो गया, लिविंगस्टोन हो गया, यहां तक आके ये बंदा स्कोर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उस सिचुएशन में ये टीम एक एसआरएस के फेवर में बन जाएगी, यही चीज दूसरी यहां पे पंजाब के फेवर में बन जाएगी। ठीक है, तो ये दो टाइप्स की टीम आपकी चलेगी टीम फोर में। तो टोटल यहां पे देखा जाए तो पांच तरह की टीम्स हैं जिनको आपको इस मैच में कैरी करके चलना, और आपकी रैंक जरूर अच्छी खासी आने वाली है। और उम्मीद करता हूं जो लोग भाई खेलते हैं फैंटेसी प्लेयर यहाँ पे हैं पहले से ही, तो उनको पता होगा कि कौन सी टीम में किसको कैप्टन बनाना अच्छी तरह पता होगा, उस चीज में टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं करेंगे। चलिए बात करते हैं एसआरएच की, और अगर चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं है तो करना प्लीज यार, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके यार सब्सक्राइब से और लाइक से मतलब मोटिवेशन मिलता, अच्छा लगता, और कुछ नहीं वीडियो तो लाइक कर दिया करो। सबसे पहले यहां से बात करें एसआरएच की, अभिषेक शर्मा, ठीक है, राहुल चेहरा बंदे को दो बार आउट किया हुआ है। ठीक है, दो बार आउट किया, अगर इनकी टीम बैट फर्स्ट करती है तो यहां पे थोड़ा बहुत ठीक ठाक कर सकता है, सेकंड इनिंग में मे बी यहां पे फुल फ्लॉप बंदा चला जाए। ठीक है, उसके बाद प्रियाम गर्ग का इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड अच्छा जरूर है, बट
अर्शदीप सिंह है यहाँ पे जो हमारे ए सिंह है, इन्होंने दो बार आउट किया हुआ है ठीक है। स्टार्टिंग बॉलिंग के लिए आएगा तो हो सकता है ये भी जल्दी निकल जाए, तो यानी अभिषेक एक और दूसरा आपका प्रियम गर्ग, इन दोनों में से कोई एक ही होना चाहिए। तीसरा आपका यहाँ पे त्रिपाठी काम का प्लेयर बन जाता है ठीक है। हल्के से भी राहुल चंद ने दो बार आउट किया हुआ है ठीक है। उसके बाद मरकरम है, इनको भी राहुल चंद ने एक बार आउट किया, ये बैट प्लस बॉल का ऑप्शन है, ध्यान रखना, हो सकता है करा जाए, कोई भरोसा नहीं है ठीक है। निकोलस फरन को रवाड़ा ने दो बार आउट किया हुआ है, पर ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा इस प्लेयर को, क्योंकि भाई आईपीएल में अगर छह सात में अगर सात मैच खेलते ना, जैसे इस बार 13 मैच खेलना, इन 13 मैच में से आप रिकॉर्ड लगा के देख लो 13 में से कितने में चला है ठीक है, एक या दो में चला होगा मैक्सिमम। उसके बाद ग्लेन फिप्स आ सकता है इस मैच के लिए, क्योंकि इनको चांस मिलेगा, अब जो नीचे के रह गए हैं भैया आ जाओ अब तुम खेल लो, हमने तो झंडे गाड़ दिए ठीक है। लिविंगस्टोन ने एक बार आउट किया हुआ है, बट एक चीज ध्यान रखना, यह ग्लेन फिप्स यहाँ पर हो सकता है ओपनिंग भी आ जाए, अभिषेक शर्मा भी प्रियमगर नीचे आ जाए, और जिस टीम में रखोगे सीधा ठोक बजा के कैप्टन ही रखना है, क्योंकि ये आपका बॉलिंग ऑप्शन भी है ठीक है, और ना रखना ही नहीं है। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर, इसको भाई तीन बार आउट किया रबाड़ा ने, बैटिंग आने के चांसेस हाई हैं आज के मैच में। यहां से सीन अवार्ड में भी आ जाएगा, ग्राउंड को शॉर्ट शॉट नहीं है, अगर आते हैं तो ठीक ठाक प्लेयर है, मतलब ज्यादा टीम्स को ट्राई मत करना, क्योंकि एक ही के सामने बैटल है इनका, वो आपका धवन के सामने बैटल है, ज्यादा सबके सामने बैटल भी नहीं है ठीक है। यहाँ पे सबसे बात करता है मेन, आपके दो प्लेयर आते हैं यहाँ पे, भुवनेश्वर कुमार और उमरान मलिक एसआरएच की तरफ से, ये दो प्लेयर ऐसे हैं आपको हर सिचुएशन में, अगर ये सिचुएशन मैंने आपको बताया ना, एसआरएच के 110 आउट हो गए और यहाँ पे ये दो प्लेयर्स आपके पास हैं, तो सामने में जो अगर ये दो दिन आउट होंगे तो उन दोनों को आउट करने की हिम्मत इस बंदे की, और वैसे भी तीन तीन चार चार विकेट यहाँ पे बंदे ले जा चुके हैं दोनों के दोनों ठीक है। टी नटराजन प्लेयर अच्छा है, बट ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा इस मैच के लिए। पंजाब की बात करें, उससे पहले गाइस आप लोग अपना हेड टू हेड 3 मेंबर का इन्वेस्ट अगर अभी भी अदर एप्स पर कर रहे हो तो बंद कर दो, थोड़ा आउटसाइड जाओ, विनिंग इंप्रूव करो अपनी, क्योंकि भाई कॉम्पिटिशन हाई लेवल पे, रिसेंट में बैट बॉल 11 और यहाँ पे विजन 11 सबसे सुपर ऐप है, लिंक आपको दोनों का नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा, साथ में रेफरल कोड चंदू123 जरूर यूज करना, क्योंकि यहाँ पे एंट्री फीस प्लस कॉम्पिटिशन आपको दोनों लोग देखने के लिए मिलते हैं, विनिंग आपकी काफी अच्छी खासी यहाँ पे हो सकती है ठीक है। और जो लोग लूडो खेल के थोड़ा बहुत अर्न करना चाहते हैं उनके, तो बैट बॉल काफी सुपर ऐप कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको लूडो का फीचर भी दिखता है, जहां इतने तामझाम की जरूरत पड़ती नहीं है ठीक है। अब यहाँ पे बात करें पंजाब की, शिखर धवन ठीक है, हालांकि बंदे का रिकॉर्ड अच्छा है टीम्स के खिलाफ भी प्लस इस ग्राउंड में भी, भुवनेश्वर कुमार ने दो बार आउट किया, सीन अबॉट ने एक बार आउट किया, तो भुवनेश्वर कुमार अगर चलते हैं तो फिर धवन जाते हैं, अगर भुवनेश्वर कुमार फ्लॉप जाते हैं तो फिर धवन यहाँ पे मतलब अगर वो फ्लॉप जाएगा तो चलेगा, अगर नहीं अगर कर गया तो काम तो कर गया भी शुरू में ठीक है। जॉनी बेयरस्टो, भुवनेश्वर कुमार दो बार, सुंदर ने एक बार, ओपनिंग के ही बॉलर से चाहे भुवनेश्वर कुमार को लगा लो, सुंदर को लगा लो, सीन अबॉट को लगा लो, सुंदर भी दूसरे तीसरे ओवर में आ जाता है ठीक है एक ओवर के लिए। राजापक्ष का यहाँ पे किसी के सामने बैटल है नहीं ठीक है, बट ये है प्लेयर बंदा आता भैया तेजी करता है, तेजी के साथ खेलता है, तो अगर उस तेजी में अगर मार गया तीन चार छक्के चौके मार गया, दो ओवर खेल गया, तो दो ओवर में 15-20 रन अगर बना गया और उसके बाद थोड़ा सा एक आध कैच वैच ले लिया, तो आपका ड्रीम टीम का हिस्सा बन जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो राजापक्षा आपका प्लेयर ठीक ठाक है। उसके बाद लिविंगस्टोन की बात करें, लिविंगस्टोन भाई भुवनेश्वर कुमार ने एक बार आउट किया, कल भी मैंने कहा था कि भाई मुंबई का मिडिल ऑर्डर ज्यादा फोकस करना, मिडिल ऑर्डर ज्यादा फोकस करना, जिन लोगों ने फोकस किया उन लोगों ने अच्छा खासा वॉन किया, थंबनेल पे भी मैंने स्पेशली लिख के दिया था रोहित शर्मा को मत रखना, मिडिल ऑर्डर के साथ जाना, जो लोग गए उन्होंने अच्छा खासा वॉन किया हुआ ठीक है। मयंक अग्रवाल भाई ये परफॉर्मेंस का कोई भरोसा नहीं है, अगर जॉनी बेयरस्टो को रखोगे तो मयंक अग्रवाल को मत रखना, मयंक अग्रवाल को रखोगे तो जॉनी बेयरस्टो को मत रखना ठीक है, क्योंकि मयंक अग्रवाल यहां आएगा तो ये नहीं चलने वाला, जॉनी बेयरस्टो अगर यहां आएगा तो ये नहीं चलने वाला ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल फिर देखा जाए, अगर सेकंड इनिंग में चाहो तो मयंक अग्रवाल को ट्राई कर सकते हो, सेकंड इनिंग में बंदा ठीक ठाक परफॉर्म करता है, फर्स्ट इनिंग में बिल्कुल फ्लॉप प्लेयर है ठीक है। जितेश शर्मा को सजेस्ट करूंगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि निकोलस पुरन आपके पास ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी जितेश शर्मा के अलावा, अब चाहे जो भी टीम बैट फर्स्ट करे सेकंड करे आप उस हिसाब से प्लेयर को रख सकते हो ठीक है। अगर ये टीम बैट फर्स्ट रहेगी तो जितेश को रख लेना, वो टीम बैट फर्स्ट रहेगी तो उसको रख लेना ठीक है। यहां से बात करें ऋषि धवन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि भाई बॉलिंग ठीक ठाक है, अभी तक जितने मैच खेले सब अच्छा खासा फॉर्म यहाँ पर दिया है ठीक है। बरार का कुछ खास फॉर्म से नहीं है, बट यहाँ पे रबाड़ा आपका एक ऐसा प्लेयर है जो आपको आखिरी ओवर तक यानी 1920 ओवर तक विकेट निकाल के दे सकता है, अगर वहां पर ये वाली हालत होती है ना, अगर इसके ओवर आने तक यहाँ पे 6-7 विकेट हो गए तो ये आपको अच्छे खासे विकेट निकाल के दे देगा उसके बाद ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आर चेहर काफी इंपॉर्टेंट है, जो मेरे हिसाब से इस मैच के लिए होना चाहिए हर ड्रीम टीम के समय, यानी यहां से ये दो प्लेयर हो गए ना, यहां से जोड़ी बना के देख लो आप ठीक है, इन दोनों की जोड़ी यहां से हो गई ठीक है, और इन दोनों की जोड़ी यहां से हो गई, चार प्लेयर तो आपके ये हो गए बॉलर फिक्स ठीक है, जो मेरे हिसाब से आपको हर टीम में रखनी चाहिए ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑलराउंडर्स में वॉशिंगटन सुंदर आपका काम का प्लेयर बन जाता है, लिविंगस्टोन आपका काम का प्लेयर बन जाता है, ऋषि धवन आपका काम का प्लेयर बन जाता है, बाकी बचे तीन बैट्समैन, वो आप इतना वैसे किसी को भी चूज कर सकते हो, ध्यान रखना आज के मैच में भी आप देखना, चाहे मैच जब खत्म हो जाएगा ना उसके बाद देखना कि जो 60 से 70% जो प्लेयर जिनकी
जो चॉइस थी ना उनमें से कितने चले, 10 प्लेयर होंगे ना, तो गाइस रियली बता रहा हूं इन 10 में से मैक्सिमम 2 या फिर 3 चलने वाले हैं, इससे ज्यादा कोई नहीं चलेगा ना। तो थोड़ा सा परसेंटेज पे भी ध्यान दिया करो, क्योंकि यही ओवरऑल देखा जाए तो ग्रैंडिक की ट्रिक होती है अपनी रेड टीम को रैंक कराने की। ठीक है, तो ये तो था गाइस दोनों टीम की तरफ से। एनालिस्ट अर्शदीप के साथ ज्यादा सजेस्ट करूंगा नहीं, क्योंकि भाई इस सीरीज में कुछ खास रहा नहीं, विकेट मिले तो एक आध विकेट मिले, तो इतना ज्यादा करेंगे नहीं इस पर फोकस। बाकी आप रखना चाहते हो रख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब यहाँ पे मेन बात करेंगे हाईली रिस्की और कौन से सेफ कैप्टन वाइस, जो लोग भाई हेड टू हेड 3 मेंबर खेलेंगे ही उनके लिए कौन से कैप्टन वाइस कैप्टन बेटर रहेंगे, और कौन से यहाँ पे जो है रिस्क यानी जो ग्रैंड लीग में ज्यादा टीम्स के साथ जा रहे हो, 10 से 15 या 20 टीम के साथ जाने वाले प्लेयर हो, उनके लिए कौन से प्लेयर ज्यादा बेटर हो सकते हैं। ठीक है, यहां से बात करें भाई सेफ में तो मरकरम नंबर 1 का प्लेयर है। ठीक है, अभिषेक शर्मा नंबर 2, ये तब है जब इनकी टीम बैट फर्स्ट करे, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद धवन यहां पे नंबर 3, उसके बाद लिविंगस्टोन नंबर 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्योंकि लिविंगस्टोन, हाँ ठीक है लिविंगस्टोन, ठीक है ठीक है, क्योंकि बॉलिंग ऑप्शन भी आपके पास, तो ये कुछ ना कुछ परफॉर्म करके देगा। ठीक है, यहां से बात करना रिस्की प्लेयर्स जिनको भाई बहुत कम लोग ट्राई करेंगे, जिनकी परसेंटेज बहुत कम रहने वाली है एज ए कैप्टन या वाइस कैप्टन अपनी ग्रैंड लीग की टीम में, थोड़ा सा सोच के चलना, इनमें से डिसाइड करना ये 4 टीम से 5 टीम का जो कॉम्बो आपका है ना, ये इनमें से किस टीम में कौन सा कैप्टन कैसे परफेक्ट बैठता है। भाई इतना टाइम हो गया खेलते खेलते, आप खुद समझ सकते हो, इतना डिटेल में बताऊंगा तो फिर वीडियो पहुंच जाएगी 50 मिनट की। ठीक है, नंबर 1 ग्लेन फ्लेयर, जैसे मैंने आपको बताया खेलता है, रखोगे तो सीधा कैप्टन और बाकी टीम में ड्रॉप। उसके बाद सुंदर नंबर 2, भुवनेश्वर कुमार नंबर 3, रबाड़ा नंबर 4, आर्चा नंबर 5। ठीक है, इनको भी पता होगा आपको बॉलर्स को किस सिचुएशन में किसको रखना है, किस टीम में, प्लस ये जो 4 से 5 टीम का कॉम्बिनेशन आपको होगा, इन 4 से 5 टीम में कौन से कॉम्बिनेशन में आपको किसको कैप्टन बनाना है, किसको वाइस कैप्टन बनाना है। उम्मीद करता हूं इतना तहे दिल से मैंने आपको समझाया, समझ में आया होगा, और समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, यहां तक आ गए तो वीडियो को लाइक करके बाहर निकलना। ठीक है, बाकी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी करना, ताकि इसी तरह की वीडियो आने वाले मैचेस अब काफी अच्छे हैं हमारे, 7-8 दिन के मैच आने वाले, तो पैसा कमाने का फुल मौका, कोई टेंशन नहीं है, तो चैनल के साथ बने रहना, अच्छा खासा भी हमारे चैनल से अर्न कर सकते हो और लोग अच्छा खासा कर भी रहे हैं। ठीक है, तो चलो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और गाइस आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ही देना, साथ में बैट बॉल लोन विजन लाइन साइन अप नहीं किया है तो भाई कर लो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि अदर एप्स पर लूट जाओगे, कोई फायदा नहीं है। बैट बॉल लोन विजन सबसे बेस्ट ऐप है रिसेंट में, कॉम्पिटिशन के मामले में कहो या फिर एंट्री फीस के मामले में कहो, दोनों आपको लो मिलने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिलेगा, साथ में रेफरल कोड चंदू123 जरूर यूज करना, वह 35 यानी 35 रुपए का बोनस हमें मिलेगा और 100 रुपए का बोनस आपको मिलेगा, आप भी इंजॉय करो और हम भी इंजॉय करते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं शाम को टॉस के बाद, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।